हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और टॉपिक का नाम है हमारे पास लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी दोस्तों रोलिस थ्योरम के बारे में। जाना था हमने कि रोलिस थ्योरम किस तरह से अप्लाई की जाती है, कौन कौन सी कंडीशंस रोलिस थ्योरम के लिए वेरीफाई होनी चाहिए, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हम डिफरेंशिएशन को पूरा कंप्लीट फिनिश कर देंगे, और लास्ट लेक्चर है हमारा ये डिफरेंशिएशन का। इसके अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे दोस्तों कंटिन्यूटी के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत चैनल मैथ वाला। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो वेरीफाई होनी चाहिए लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम कोई फंक्शन स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सबसे पहले तो स्टेटमेंट, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो डिफाइन है एक क्लोज इंटरवल के ऊपर ए बी के ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद पहली कंडीशन क्या रहती है दोस्तों, एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूस। एफ एक्स आपका कंटिन्यूस होगा, ठीक है, जैसे हमने रोलिस थ्योरम में की थी कंडीशंस, एफ एक्स आपका कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, एफ एक्स आपका कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स शुड बी डिराइवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, तो दो कंडीशंस हमने यहाँ पे डिफाइन किया दोस्तों। सबसे पहली है एफ एक्स आपका कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल, और एफ ऑफ एक्स आपका जो है वो डेरिवेबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, देन अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उसके बाद क्या करना है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, सी बिलोंग्स टू ए और बी। ठीक है, सेम कंडीशंस हैं अभी तक जो रोलिस थ्योरम में हमने अप्लाई की थी, यहाँ तक बिल्कुल सेम टू सेम आपका रोलिस थ्योरम ही चल रहा है। ठीक है, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखें, यहाँ तक आपको बिल्कुल सेम है। उसमें आप हमारी प्यास क्या था, तीन कंडीशंस होती थी, सबसे पहले एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए था, फिर डेरिवेबल होना चाहिए था, फिर जो फंक्शंस की वैल्यू है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी वो दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पे हमारे पास तीसरी कंडीशन नहीं है, जस्ट हमने क्या है आपके जो पॉइंट है सी उसको डिफाइन किया है। ठीक है, तो सी पॉइंट जो है हमारे पास दोस्तों वो ए और बी के बीच में बिलोंग करेगा, सच दैट, अब इसको लिखेंगे कैसे दोस्तों, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। ठीक है, ये हमारे पास होती है लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम को निकालने की डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, उसके बाद फंक्शन आपका डिराइवेबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए बी, उसके बाद एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी। ठीक है, और जो पॉइंट है वो सी वो बिलोंग करेगा ए और बी के बीच में। ठीक है, सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। ठीक है, तो ये होगी दोस्तों हमारे पास डेफिनेशन। आपको मेनली ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके बेस पे दोस्तों हम सबसे पहले क्वेश्चंस करेंगे, सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे जाएगा
फिर थोड़े हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेंगे, थोड़े टफ क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसको रब कर देते हैं। चलिए तो आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस थ्री ऑन इंटरवल 0 to 1, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है कि ये लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को लेते हैं। एफ एक्स आपके पास एक पॉलिनोमियल है, तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1, ठीक है। एफ एक्स आपका जो है वो कंटिन्यूस होगा ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, एफ डैश एक्स का मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो डिराइवेबली भी होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1। तो सबसे पहले निकालते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x² माइनस और एक्स स्क्वेयर को आ जाएगा 2x और ये 2x और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x माइनस एक्स का 1 और 3 का 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स इज डिराइवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1, ठीक है। 0 to 1 के बीच में ये फंक्शन जो है वो डिराइवेबल भी है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, देन देर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, वो जो सी है वो बिलोंग करेगा 0 to 1 के बीच में, सच दैट एफ ऑफ बी। अब देखिए बी क्या है यहाँ पे और ए क्या है यहाँ पे, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। जो हमारे पास ये है 0, इसको बोलते हैं ए और ये है बी, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब सबसे पहले हम वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले निकालेंगे एफ ऑफ वन की, तो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ वन की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, इसमें पुट कर दो आप 1 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 3। इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आया 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3, ठीक है, ये कंडीशन मेरे पास आई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कितना आएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। अब इसके बाद निकालते हैं एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 क्या आएगा हमारे पास, 0 की पावर 3 माइनस 2 0 का स्क्वेयर माइनस 0 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों 0 हैं, ये भी 0 है, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचेगा, ओनली 3, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमने निकाला एफ ऑफ 1, फिर हमने निकाला एफ ऑफ 0। अब इसके बाद हमारा लास्ट काम क्या रहता है, एफ ऑफ एफ डैश सी, तो इसको भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं, एक्स को चेंज कर दूं मैं सी में, तो मेरे पास आएगा एफ डैश सी इक्वल टू 3c² माइनस 4c - 1। तो इसको हम ऐसे ही करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश सी इज इक्वल टू 3c² माइनस 4c - 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये एफ डैश सी भी निकाल लिया। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम इसी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर स्टार में, ठीक।
ठीक है। तो एफ ऑफ वन कितना है मेरे पास, वन, और एफ ऑफ ज़ीरो कितना है मेरे पास, थ्री। तो मैं लिखूँगा वन माइनस थ्री, वन माइनस थ्री अपॉन में वन माइनस ज़ीरो, ठीक है, वन माइनस थ्री अपॉन में वन माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू थ्री सी स्क्वेयर माइनस फोर सी माइनस वन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने निकाला कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है हमारे पास ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। उसके बाद हमने दोस्तों डेरिवेटिव किया, एफ डैश एक्स निकाला, और फंक्शन जो हमारे पास वो डेरिवेबल भी है ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1। उसके बाद हमने एक पॉइंट इंट्रोड्यूस कराया सी, जो बिलोंग कर रहा है हमारे पास इस इंटरवल के अंदर, जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है। तो उसके बाद हमने सच दैट ये वैल्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखी हमने, लैग्रेंज मीन वैल्यू के अकॉर्डिंग एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, और एफ डैश सी। ए और बी हमारे पास दोस्तों यहाँ पे है इंटरवल के अंदर, और इसको हमने डिफाइन किया। सबसे पहले हमने एफ ऑफ बी निकाला यानी कि एफ ऑफ वन निकाला, फिर एफ ऑफ ए निकाला यानी कि एफ ऑफ ज़ीरो निकाला। दोनों वैल्यूज हमारे पास डिफाइन होने के बाद हमने निकाला एफ डैश सी, एफ डैश सी हमने निकाला एफ डैश एक्स में से, ठीक है। इसको एक्स को वेरिएबल को हमने चेंज कर लिया सी में, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वन में से थ्री गया माइनस टू, और नीचे आ जाएगा आपके पास वन इज इक्वल टू थ्री सी स्क्वेयर माइनस फोर सी माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा थ्री सी स्क्वेयर माइनस फोर सी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू। इसको इधर लेके आ जाते हैं, थ्री सी स्क्वेयर माइनस फोर सी माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, थ्री सी स्क्वेयर माइनस फोर सी प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब बात आ जाती है दोस्तों इसको कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ से सी की वैल्यू कैसे निकाली जाए। आप सभी ने टेंथ क्लास में पढ़ा होगा, इवन इलेवंथ क्लास में भी आपके पास है। अब तो जो नया पैटर्न है उसमें आपके पास जो है ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें फैक्टर बनाने होते हैं, ये आपके पास जनरली फिफ्थ या सिक्स क्लास से चल जाते हैं। तो कैसे करते हैं दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को, सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनके जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा थ्री सी स्क्वेयर, ठीक है, और बीच में चाहिए आपको फोर सी, यानी कि प्लस माइनस करके आपके पास आना चाहिए फोर सी, और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए थ्री सी स्क्वेयर, ठीक है। अब सबसे पहले आप इस नंबर को देखिए, थ्री, थ्री के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, थ्री इंटू वन या वन इंटू थ्री, ठीक है, इसके अलावा कोई और मल्टीपल नहीं आएगा, ठीक है, फ्रैक्शंस को छोड़ के, ठीक है, फ्रैक्शंस वाली वैल्यू हमने नहीं लेनी है। तो आपको चाहिए दोस्तों माइनस के फोर सी, तो हमें लिखेंगे थ्री सी स्क्वेयर माइनस थ्री सी माइनस सी प्लस वन, ठीक है, ये सारा आपका रफ काम था। इसको हमने जो फोर सी है आपका, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो देखेंगे दोस्तों माइनस माइनस प्लस थ्री सी स्क्वेयर आएगा आपके पास इस वन, और अगर आप इनको प्लस करते हैं तो आपके पास माइनस थ्री और ये माइनस वन, तो माइनस के फोर सी ही आएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ से थ्री सी कॉमन ले लेता हूँ मैं, थ्री सी कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा सी, और यहाँ पे बचेगा माइनस वन, यहाँ से माइनस वन कॉमन ले लेते हैं सी माइनस वन, ठीक है, और इसको इक्वल टू में हमारे पास जीरो चल ही रहा है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से सी माइनस वन कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, सी माइनस वन हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा थ्री सी माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी सी की, उसको मैं थोड़ा यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, देखो आइदर सी माइनस वन इजक्वल टू ज़ीरो और थ्री सी माइनस वन इजक्वल टू ज़ीरो। तो अगर सी माइनस वन जीरो है तो वैल्यू आएगी आपके पास वन सी की, और अगर थ्री सी माइनस वन जीरो है तो आपके पास आ जाएगी वन बाई थ्री, ठीक है। तो सी की दो वैल्यूज आई हैं, एक आई है वन, एक आई है आपके पास वन बाई थ्री। अब इसमें से कौन सी वैल्यू वैलिड है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सी इजक्वल टू वन हम नहीं ले सकते क्योंकि ये इंटरवल ज़ीरो से वन तक है, और सी इजक्वल टू वन बाई थ्री ये वैल्यू हमारे पास वैलिड है क्योंकि ये ज़ीरो से वन के बीच में बिलोंग करती है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके पास एग्ज़ाम में आ सकते हैं दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंपटीशन में ही इस टाइप के क्वेश्चन आएँ, एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, प्लस टू क्लास के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। और इवन आप जब हायर क्लासेस करेंगे तो आपको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जब आप कॉलेज टाइम में जाएंगे, ठीक है, जैसे आप हायर स्टडी के लिए आगे जाएंगे।
तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सी की वैल्यू है 1/3, ये हमारे पास 0 से 1 इंटरवल के बीच में बिलोंग करती है। क्लियर है दोस्तों? तो ये था हमारे पास आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और आपको चेक करनी है लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम 0 से π/2 पे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। फंक्शन हमारे पास गिवन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और आपको जो इंटरवल गिवन है वो है 0 से π/2। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो साइन फंक्शन है और जो कोसाइन फंक्शन है वो दोनों क्या होते हैं, कंटिन्यूज होते हैं। ठीक है, अगर साइन फंक्शन भी कंटिन्यूज है और कोस फंक्शन भी कंटिन्यूज है तो दोनों का सम भी क्या होएगा, कंटिन्यूज होएगा। ठीक है, सिंस साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूज फंक्शन, सो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूज। ठीक है, अगर साइन एक्स भी कंटिन्यूज है, कोस एक्स भी कंटिन्यूज है, तो दोनों का सम भी क्या होएगा, कंटिन्यूज होएगा। दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूज होएगा, दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूज होएगा। ठीक है, दोनों का डिवाइड करेंगे तब भी कंटिन्यूज ही आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे हम कंटिन्यूटी वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें इस चीज़ को हम डिराइव करेंगे किस तरह से ये चीज़ काम करती है। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास इसमें लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम में, जो फंक्शन आपको वो डिराइवेबल होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं हम दोस्तों यहाँ से। एफ डैश एक्स हमारे पास कितना आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, और कोस का होता है माइनस के साइन एक्स। ठीक है, फंक्शन आपका कंटिन्यूज है, इस पर इंटरवल भी लिख लेते हैं 0 से π/2, और ये फंक्शन आपका जो है वो डिराइवेबल भी है। एफ ऑफ एक्स इज डिराइवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से π/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों वैल्यूज़ को वेरीफाई कर दिया है कि जो फंक्शन हमारे पास वो कंटिन्यूज भी है और जो फंक्शन हमारे पास है वो डिराइवेबल भी है। तो थर्ड कंडीशन क्या है, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, और सी जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 के बीच में, सच दैट एफ ऑफ बी यानी कि π/2 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन π/2 माइनस 0 इज इक्वल टू एफ डैश सी। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे डिफाइन की है। ठीक है, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग यही है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस इज इक्वल टू एफ डैश सी क्या होना चाहिए। क्लियर है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले π/2 पे, फिर निकालेंगे 0 पे। तो अगर दोस्तों हम π/2 पे बात करें फंक्शन की वैल्यू एट π/2, ठीक है, तो यानी कि साइन π/2 प्लस कॉस π/2। साइन 90 होता है हमारे पास 1, और कॉस 90 होता है 0, तो 1 प्लस 0 यानी कि 1। ठीक है, इसी तरह से हम निकाल लेते हैं फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 0 पे, तो यानी कि एफ ऑफ 0 तो आपके पास आ जाएगा साइन 0 प्लस कॉस 0, यानी कि साइन 0 का होता है 0 और कॉस 0 होता है 1, तो यानी कि 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आप दोनों वैल्यूज़ जो आपके पास वो सेम आ जाती हैं, एफ ऑफ π/2 पे 1 और एफ ऑफ 0 भी 1 आ जाता है। तो चलिए इसमें वैल्यूज़ में रख देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी दोस्तों 1 माइनस 1 अपॉन में π/2 माइनस 0 इज इक्वल टू एफ डैश सी दिस वन। इसको वेरिएबल को x को मैं c में चेंज कर लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा cos c माइनस साइन सी। अब देखिए 1 माइनस 1 क्या होता है आपके पास 0, तो 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, तो आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू cos c माइनस साइन सी। इस साइन को इधर लेके आ जाते हैं तो आ जाएगा प्लस का, साइन सी इज इक्वल टू cos c,
और इस साइन को कॉस को भी इधर लेके आ जाते हैं तो आ जाएगा साइन सी अपॉन कॉस सी इज इक्वल टू वन। ठीक है दोस्तों यहाँ तक। तो साइन बाय कॉस क्या होता है, टेंजेंट, टेंजेंट सी इज इक्वल टू वन, और टेन की वैल्यू वन कब होती है, टेंजेंट पाई बाय फोर पे। ठीक है तो यहाँ से जो सी की वैल्यू है वो आ जाएगी पाई बाय फोर। ठीक है इस तरह से हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कंटिन्यूटी चेक की, फिर हमने डिरेवेबिलिटी चेक की, और उसके बाद हमने एक फंक्शन इंट्रोड्यूस कराया एफ डैश सी। ठीक है दिस वन एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस एफ ऑफ जीरो पाई बाय टू माइनस जीरो। ठीक है उसके बाद हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली एट पॉइंट पाई बाय टू पे, फिर हमने निकाली फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट जीरो पे, उसके बाद हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट कर दिया सभी को। ठीक है एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस एफ ऑफ जीरो पॉइंट में पाई बाय टू माइनस जीरो। ठीक है वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास सी की वैल्यू आई है पाई बाय फोर, और आप देख सकते हैं दोस्तों जो वैल्यू सी पाई बाय फोर है वो इस इंटरवल के अंदर ही बिलोंग करती है। तो आप लिख सकते हैं पाई बाय फोर बिलोंग्स टू ज़ीरो से पाई बाय टू। ठीक है क्योंकि ज़ीरो तो ज़ीरो ही है, पाई बाय टू का मतलब होता है 90 और पाई बाय फोर का मतलब होता है 45, तो ज़ीरो के और 90 के बीच में ही तो आएगा 45। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारे पास हो गया आज का सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हम करते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज का थर्ड क्वेश्चन, और उसमें जानेंगे हम किस तरह से हम वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके बेस पे। ठीक है तो इसको रब कर देते हैं सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। टेंजेंट इनवर्स एक्स, ठीक है फंक्शन आपके पास गिवन है टेंजेंट इनवर्स एक्स, और आपको कंटिन्यूटी जो भी डिफ्रेंशिएबिलिटी है आपके पास वो चेक करनी है आपको जीरो से वन पे। ठीक है यानी कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आपने प्रूव करके दिखानी है कि इस पे अप्लाई हो जाती है नहीं है। ठीक है तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है टेंजेंट इनवर्स एक्स, और हमने चेक करनी है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एट पॉइंट ज़ीरो टू वन पे। ठीक है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले जो फंक्शन हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स एक्स वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ज़ीरो टू वन। ठीक है सेकंड कंडीशन क्या थी, एफ डैश एक्स इसका डेरिवेटिव करते हैं, टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है सो एफ ऑफ एक्स इज डिराइवेबल ऑन ओपन इंटरवल ज़ीरो टू वन। ठीक है तो दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती हैं। देन देर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ज़ीरो टू वन सच दैट एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ ज़ीरो पॉन में वन माइनस जीरो इज इक्वल टू है एफ डैश सी के। ठीक है तो अब हम सबसे पहले निकालते हैं एफ ऑफ वन, तो एफ ऑफ वन यानी कि टेंजेंट इनवर्स वन, टेन की वैल्यू वन कब होती है, टेन की वैल्यू वन होती है पाई बाय फोर पे, तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ पाई बाय फोर, तो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आ जाएगा पाई बाय फोर। ठीक है सबसे पहले एफ ऑफ वन निकाला तो वैल्यू की वन यहाँ पे पुट की दी एफ ऑफ एक्स में, तो टेंजेंट इनवर्स वन, टेन की वैल्यू वन कब होती है पाई बाय फोर पे, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा पाई बाय फोर। क्लियर है इसी तरह हम निकाल लेते हैं जीरो पे, एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स जीरो, टेन की वैल्यू जीरो कब होती है टेंजेंट जीरो पे, तो वैल्यू आ जाएगी जीरो। ठीक है इस तरह से हमने एफ ऑफ वन भी निकाल लिया एफ ऑफ ज़ीरो भी निकाल लिया। अब इसके बाद हमारा काम क्या रहता है दोस्तों, एफ डैश सी निकालना। एफ डैश सी हमारे पास क्या आएगा, यानी कि जो फंक्शन हमारे पास है दिस वन, इसको हम चेंज कर लेते हैं सी में, तो हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वेयर। क्लियर है
अब इसके बाद जो सारी वैल्यूज हैं हम इसमें पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर वन में, तो हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी दोस्तों, एफ ऑफ वन की वैल्यू हमारे पास है पाई बाय फोर माइनस, और ज़ीरो पुट किया तो हमने हमारे पास वैल्यू आई ज़ीरो अपॉन में पाई वन माइनस ज़ीरो, ठीक है, इज इक्वल टू एफ डैश सी हमारे पास है वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वेयर, ठीक है। अब देखिए ऊपर आ जाएगा हमारे पास पाई बाय फोर और नीचे आ जाएगा हमारे पास वन इज इक्वल टू में आ जाएगा वन बाय वन प्लस सी स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, तो आ जाएगा पाई बाय फोर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन माइनस पाई बाय फोर, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। देखिए सबसे पहले क्या किया, ये वैल्यूज निकाल ली, वैल्यूज निकाल के बाद हमने क्या किया, एफ ओ वन की वैल्यू यहाँ पुट की पाई बाय फोर, एफ ओ जीरो की वैल्यू जीरो वहाँ पे पुट कर दिया हमने, उसके बाद वन माइनस जीरो इजक्वल टू एफ डैश सी, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यूज आई क्रॉस मल्टीप्लाई किया पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर इंटू सी स्क्वायर इजक्वल टू में वन, इस पाई बाय फोर को उधर लेके गया हमें तो ये माइनस का पाई बाय फोर सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस पाई बाय फोर, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई बाय फोर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर माइनस पाई अपॉन फोर, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, इस पाई बाय फोर को उधर ले जाते हैं तो मेरे पास आ जाएगा सी स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर माइनस पाई अपॉन फोर, जब इसको उधर ले जाएंगे नीचे तो फोर ऊपर चला जाएगा पाई नीचे आ जाएगा, ठीक है, फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो फाइनली बचता है वो हमारे पास बचेगा दोस्तों सी स्क्वेयर इज इक्वल टू तो हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर माइनस पाई अपॉन पाई, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू को पुट करता हूँ 22/7 तो मेरे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 22/7 अपॉन में 22/7, सी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 7 चौके 28 में से 22 गए 6/7 अपॉन में 22/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 6/22 यानी कि 2 × 3 = 6, 2 × 11, तो सी स्क्वेयर की जो वैल्यू आती है वो आती है 3/11, दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/2 टोटली ले लो इसको रूट 3/11, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से स्टेटमेंट आ जाएगी, क्लियर है दोस्तों। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक की, फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक की, डिराइवेबिलिटी जिसको बोलते हैं हम, उसके बाद हमने चेक किया कि जो फंक्शन है हमारे पास उसमें वैल्यू जो हमारे पास सी है वो एग्जिस्ट करती है नहीं है, फिर उसमें हमने फॉर्मूला लिखा एफ ओ बी माइनस एफ ओ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी, उसके बाद हमने फंक्शंस की वैल्यू निकाली, फंक्शंस की वैल्यू निकालने के बाद हमने यहाँ पे इसको वैल्यू इसको पुट किया, पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सी की वैल्यू कुछ इस टाइप से आई है, ठीक है। तो सी की वैल्यू को फाइनली हमने क्या किया दोस्तों, पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7 और उसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो आया सी इज इक्वल टू 3/11 का रूट, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लास्ट लेक्चर डिफरेंशिएशन का, तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी प्रेस करें। इससे होता क्या है दोस्तों, आपको चैनल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो टाइम टू टाइम मिलती रहती है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और वीडियो से रिलेटेड जो भी अभी हमारे पास चैनल पे डल रही हैं कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज़ आपको उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। इससे हमें पता लगता रहेगा दोस्तों कि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम दोस्तों बात करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में, जो चैप्टर नंबर हमारे पास है 6, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।